सत श्री अकाल सारे नूं। अज दीआं ताज़ा ते वड्डीआं खबरां। पहली खबर, पंजाब दे सरकारी स्कूलां दी नुहार बदलण लई आप सरकार ने चुक्या अहम कदम। तां दस दईए, माण सरकार वल्लों सरकारी स्कूलां विच कमरिआं दी उसारी अते फर्नीचर खरीदण लई पहली किश्त जारी कीती है। इस संबंधी जानकारी दिंदे पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दस्सिआ कि 17.59 करोड़ रुपये की पहली किश्त सूबे दे 17 जिलों के सरकारी स्कूलों में कमरों की घाट को खत्म करेगी। इस तों अलावा 1.94 करोड़ रुपये सूबे के सरकारी स्कूलों के 334 क्लासरूमों लिए फर्नीचर की लोड़ है, तो वह लोड़ जिहड़ी पूरा करेगी। अगली खबर हैगी राम रहीम डेरा मुखी। राम रहीम मिलेगी 40 दिन की पैरोल, गृह विभाग ने दी मंजूरी। तो इतने दस दई डेरा सच्चा सौदा मुखी राम रहीम पैरोल मिल गई है। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम जेल विभाग ने पैरोल दिती है। हरियाणा सरकार वालों केंद्र नूं पैरोल लई भेजी गई अर्जी नूं गृह विभाग ने मंजूर कर लिया, जिस पिछों हुण सूबा सरकार वालों आदेश देने बाकी ने। तां भाव कि हुण डेरा मुखी राम रहीम नूं 40 दिन की पैरोल मिल चुकी है, हुण सिर्फ सूबा सरकार वालों आदेश होने बाकी ने। अगली खबर, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खिडारियों लिए किया बड़ा ऐलान, दिवाली तो पहला मिलेगा बड़ा तोहफा। तो दस दिए सीएम मान ने तोहफा देने दे लिए जो गुजरात में चल रही खेडों के जेतू खिडारियों दिवाली तो पहला खेड नीति तहत सन्मानित राशि जारी कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि खेडां वतन पंजाब दीआं दा समाप्ति समारोह 1 नवंबर नूं होवेगा, उत्थे ही जेतुआं नूं सन्मानित करांगे। भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा कि गुजरात विखे चल रही खेडां दे जेतू खिडारियों नूं दिवाली तो पहला खेड नीति तहत सन्मानित राशि जारी करांगे। अगली खबर है कणक के बीज ते सबसिडी देने की खेती विभाग ने बनाई नीति। तां दस दईए 22-23 दौरान कणक के बीज उत्ते सबसिडी देने लई पॉलिसी बना रही है। इस पॉलिसी तहत कणक के तस्दीक शुदा बीज की खरीद समय ही किसानों नूं बीज की कीमत 50% जां वध तों वध 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब नाल सबसिडी रकम घटा के दिती जाएगी। एक किसान वध तों वध 5 एकड़ लई बीज है जिहड़ा वह खरीद सकता है, तो 50% सबसिडी है वह देवेगी पंजाब सरकार। तो हर बार ही जिहड़ी सबसिडी दिती जाती है तो ये 5 एकड़ लई बीज है जिहड़े वह खरीद सकते हैं। अगली खबर, त्यौहारों तो पहला गैस कंपनियों का बड़ा झटका, खपतकारों को होएगी असुविधा, सांझे परिवारों लिए बड़ी मुश्किल। त्यौहारी सीजन च गैस कंपनियों ने घरेलू और व्यापारक खपतकारों को बड़ा झटका दिता है। खपतकार हुण 1 साल में 15 सिलेंडर अते 1 महीने में वध तों वध 2 सिलेंडर लै सकणगे। हालांकि गैस कंपनियों वालों गैर रस्मी तर्क दिता जा रहा है कि बिना सबसिडी वाले खपतकार कारण दस के होर सिलेंडर लै सकणगे, पर डीलर कोल सॉफ्टवेयर विच अजिहा कोई विकल्प नहीं दिता गया। तो हुण त्यौहारों तो पहला कंपनियों का वड्डा झटका हैगा। अगली खबर हैगी MSP ते बिकेगी झोने की पराली, किसानों नूं होएगा वड्डा फायदा, हरियाणा सरकार कर रही है ये प्लानिंग। तां दस दईए हरियाणा सरकार पराली साड़न की समस्या का स्थाई हल कढ़न की योजना बना रही है। इस हल बारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को कहा कि हरियाणा सरकार घट्टो घट समर्थन मुल यानी कि MSP ते झोने की पराली नूं खरीदण की योजना ते जिहड़ी काम कर रही है। तो हरियाणा सरकार का कहना है कि झोने की पराली नूं जिहड़ी हुण हैगी है तां उस ते MSP ते खरीदी जाएगी। हरियाणा सरकार इस दे लई जिहड़ी पॉलिसी बहुत जल्दी लैके आ रही है। अगली खबर, सरकारी दफ्तरां च मोबाइल फोन ते पाबंदी लाउण वाले अफसरां ते CM मान दा वड्डा एक्शन। तां पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकारी दफ्तरां च मोबाइल फोन ते पाबंदी लगाउण लैके वड्डा बयान दित्ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोबाइल फोन ते पाबंदी लगाउणा भ्रिष्टाचार है, सरकारी दफ्तरां च मोबाइल फोन की वरतों ना करन दा बोर्ड लगाउणा गलत है। जिहड़े भी सरकारी अफसरां वल्लों अजिही हरकत कीती गई है उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई करन दे आदेश जारी कर दिते ने। तो उन्हां दा कहना है कि किसी भी अफसर नूं जिहड़ा बख्शिया नहीं जाएगा। तो सरकारी दफ्तरां दे विच मोबाइल फोन ते पाबंदी वाले अफसरां ते हुण वड्डा एक्शन होवेगा। अगली खबर, मोदी सरकार वल्लों फौज की भर्ती लई उम्र सीमा च 2 साल का वाधा कीता, तां वड्डा तोहफा है। सोम प्रकाश, देश भर में भारतीय फौज लई लोगों के मन में बहुत सत्कार है, नौजवानों का एक वड्डा वर्ग फौज में नौकरी करने सख्त मेहनत करता है, फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहता है। इस संबंधी केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश MP लोकसभा
हलका हुशियारपुर ने रक्षा मंत्री भारत सरकार राजनाथ सिंह एक पत्र लिखा जिस विच कोरोना काल च 2 साल फौज की भर्ती ना होने कारण हुशियारपुर खेत्र के नौजवानों की उम्र ज़्यादा हो गई तो इस दे चलते हुण मोदी सरकार ने 2 साल जिहड़ा उम्र दे विच वाधा कर दिता। अगली खबर 500,000 के नोट बंद करन दे फैसले नूं चुनौती देण वालियां अर्जियां ते ताज़ा पटीशनां ते सुप्रीम कोर्ट वालों नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट की संविधानिक बेंच ने 2016 में 500 ते 1,000 रुपये के नोटों बंद करन दे केंद्र दे फैसले नूं चुनौती देण वालियां सारियां दखलअंदाजी अर्जियां ते ताज़ा पटीशनां ते नोटिस जारी किया ते विचार किया कि नोटबंदी का मुद्दा अकादमिक है। केंद्र अते रिजर्व बैंक ने हलफनामे दायर करन लई समां मंगया तो इस दे चलदे हुण नोटबंदी करन दे फैसले नूं चुनौती देण वालियां अर्जियां ते पटीशनां नूं हाई कोर्ट ने जिहड़ा नोटिस किया। अगली खबर दिवाली की रात 8 से 10 बजे तक 2 घंटे ही पटाके चलाए जा सकेंगे। मीत हेयर चुगिरदे की सांभ संभाल ते दिवाली समेत त्यौहारां मौके लोगों दी भावनावां नूं ध्यान विच रखदिआं माणयोग सुप्रीम कोर्ट ने नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दीआं हदायतां दी रोशनी विच वातावरण साइंस तकनोलॉजी विभाग वालों पटाके चलाउणा समा सीमा संबंधी हदायतां जारी करदिआं इन्हां नूं सख्ती लई पालना लई जिला प्रशासन नूं निर्देश दित्ते हन। तां हुण दिवाली दी रात 8 से 10 बजे तक ही 2 घंटे ही चला सकणगे पटाके। अगली खबर पंजाब च हुण सुखाली होई परिवारिक जमीन जायदाद दी वंड मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लॉन्च की वैबसाइट। हुण पंजाब विच परिवारिक जमीन जायदाद नूं वंडना आसान होवेगा। हुण लोग बिना किसी मेहनत दे माल विभाग विच जमीना ते जायदादां दी वंड दी रजिस्ट्री करवा सकणगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने माल विभाग के कामकाज नूं डिजिटल करके सूबे दे नागरिकां दी सहूलत लई अहम फैसला लिया। तां इह सन अज दीआं ताज़ा ते वड्डीआं खबरां। धन्नवाद।